ਇੱਕ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ 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 ਪਰੇ 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 ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਬਹਿ थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन ह्यूज नंबर्स। आज मैं जड़े साडे बहादुर फायर फाइटर्स इतने सीएमसी दाखिल सी जिंदगी ना जूझ रहे सी उन्होंने दोबारा मिलना आया सी बड़े खुश सी सारे कि रिकवर भी कर गए हैं साड़ी बात भी कि एक अमृतसर का सी वो कहना सिद्धू साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया मेरी गल मनोगे मैं दसो आता मैं अमृतसर पोस्टिंग दे देना मैं तू फिक्र ना कर मित्रा जो कहेगा असी करके देवांगे बल्कि मैं वो तो माफ़ी मंगी कि असी तो सुविधावान नहीं दे सके तो बहादुरी की कदर नहीं कर सके तो मौत के मूँह के झोंकते रहे हैं सही नूं जान के उहदे ते अमल ना करना कायरता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बहादुरां की सरकार है टू नो वट इज़ राइट एंड नॉट टू डू इट इज़ द वर्स्ट कावडिस नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ दे हैव टोटली इग्नोर्ड वॉट वॉज ऑट टू बी डन एंड वॉट वॉज राइट एंड इन द वॉर ऑफ राइट एंड रोंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी न्यूट्रल मैं न्यूट्रल नहीं पाना मैं जो राइट पासा ना सच्चा पासा मैं ओदा पक्ष लेना और सच्चा पासा मेरे लिए साडा लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह नंबर दो पंजाब असी हर वार पंजाब की गल करते वी आर अ वेलफेयर स्टेट तो जोड़ा वेलफेयर स्टेट हों वो लोगों के वेलफेयर की गल करता तो आनु मैं अंकड़े दूँ तो मैं कागज भी दिता है तो तुम पता लग जूगा कि कि वेलफेयर सोचते थे कि CLU के पैसे लैन की सोचते तो पता लग जू भी संतरी मंत्री तो उपरले जिने बंदे सरदार बादल वो किन्ने काले बादल छाए हुए थे कि सूरज की किरण एक आई नहीं सकती थी। लिसन आई विल टॉक ओनली अबाउट द फायर फाइटर्स एंड द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट दैट वी हैव द फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ये सब तो दो वड्डियां असेंशियल सर्विसेज होंगे ने दे आर कॉल्ड टू मिनट सर्विसेज चाहे एंबूलेंस हो चाहे फायर ब्रिगेड हो जो दो मिनट तो वध लैंदी ना तो अमेरिका दे विच दे सू देम फॉर मिलियनस। मैं पिछे जे राजा सांसी जाके अपने पल्यों अपनी जेब चो 24 लाख रुपया दे के आया सी क्योंकि उन्हां दी कणक सड़दी सी 100 एकड़ जदों गुरदौरी कराई चलो घट सी 300 एकड़ तो घट निकली वो 200 निकली दैट्स नॉट द पॉइंट बट उत्थे फायर ब्रिगेड 8 घंटिया बाद पहुंची। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जिस देश दे विच पीज़ा 15 मिनटां च पहुंच जांदा ऑर्डर करके उत्थे फायर ब्रिगेड की गड्डी 8 घंटिया च पहुंचती है बट द बिग इशू इज टेक अवे द कॉज द इफेक्ट विल सीज वॉट इज द कॉज ऑफ दिस डैमेज and we the government of Punjab Captain Amrinder Singh di sarkar we are in the damage control mode and I said with conviction that this is not irreparable damage it is negligence on the part of the previous government main samajh sakda 5% zyada ta mainu samajh nahi aandi कि 200 करोड़ रुपया थोड़े को आवे और तुसी 32 करोड़ रुपया मैचिंग ग्रांट पाओ और यह कह दो जी साढ़े को पैसे नहीं चलो थोड़े को जे पैसे नहीं भाई 200 करोड़ जो आया 32 करोड़ 232 ला दो 1.5 साल के सुते पे हो तुसी टेंडर नहीं लाया है जी उस तो बड़ा अफसोस मैनू यह है कि दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर फॉल्ट्स इट डबल्स इट अप। सब तो बड़ा अफसोस मैनू यह है कि लुधियाने के लोग अज सोचते होने कि असी स्मार्ट सिटी साढ़ा 3000 करोड़ लगू इन्हों 400 करोड़ रुपये रोकण करके सुते रहन करके उन्होंने 3000 करोड़ रुपया रोक ना यहाँ जिम्मेवार कौन है
ਵੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ 200 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੈੱਡ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਦੈਮ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਦਿਸ ਵੀਕਨੈਸ ਇਨ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਇਨ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਫ। ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਡਿਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਬਰੀਫ ਟਿਮ ਫੋਰ 1.5 ਆਵਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਨਾਓ ਦੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇਜ਼, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ 5% ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈੱਡ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਹੂ ਗੇਵ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਕਰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਾਓ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਮ ਕਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਕਸਪਲੀਕੇਬਲ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਸ 2009 ਤੋਂ 2013, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਫ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ। 2009 ਤੋਂ 2013 ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਪਰਚੇਸ, ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ 2013 ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ ਅਵੇਲ ਕੀਤੇ, 4 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 4 ਕਰੋੜ ਅਵੇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਨਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੂੰ। 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਕੀਮ ਸੀ, 30% ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 70% ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 4 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ। ਆਈ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟ ਫਿਗਰਸ, ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ 13th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਕਰੋੜਸ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਇਹ 13ਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਬੋਡੀਜ਼। ਇਹ 217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਜੀ। 91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸ 45 ਕਰੋੜ। ਉਸ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ।
27 करोड़ लैप्स हो गया 31/3/2017 ਨੂੰ लैप्स हो गया है क्योंकि इन्होंने वो खर्चे नहीं और पिछला 45 करोड़ जड़ा है फाइनेंस रिलीज नहीं कर सके वो भी लैप्स हुण ए 100 करोड़ रुपया बिना किसी हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा ही चोखा बिना किसी उस दे एदियां असी गड्डियां खरीद सकते सी और गड्डियां भी जड़ी उच्ची पौड़ी वाली है अज तुसी देखदे हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग लंबियां बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर्स वी डोंट हैव वो पौड़ियां ही नहीं गई हाइड्रोलिक इको ही गड्डी है उहदा नाल दी वो बाहरों इंपोर्ट होंदी है मोहाली च है एम आई राइट एम आई राइट है व्हाट डू यू कॉल दैट टीटीआई राइट हुण जे ये 100 करोड़ इस्तेमाल किए होंगे तो 25 टीटीआईयां फिरदियां होंदियां जिथे मर्जी विद फायर सूट्स वो सूट नहीं दिते जिहड़े साढ़े इत्थे हस्पताल च पए जांबाज बंदे उन्हां को फायर सूट नहीं सीगे वो वर्दियां पा के अंदर वड़े आ अग च कैन यू इमेजिन एवरी स्टेट इन इंडिया एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अवेल्ड इट ओनली पंजाब इज इन द रेड लाइन असी कैप्टन साहब दे नाल मीटिंग करके उन्होंने प्रपोज किया अ डायरेक्टोरेट ऑफ फायर सर्विस एक क्लर्क बैठा है मेरे ऑफिस च जिहड़ा सारे पंजाब का काम सामभ रहा कैन यू इमेजिन द मोस्ट असेंशियल सर्विस इन द स्टेट इज बीइंग हैंडल्ड बाय वन क्लर्क उन्होंने भी जो मैं बुलाया वो कंबी जुवे मैं कहा यार तू क्यों डरी जाना कर गए बादल करे कोई तो भरे कोई है तू क्यों डरी जाना भाई वी विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट फॉर कैप्टन साहब वी विल हैव अ मीटिंग विद आर लीडर वी हैव ऑलरेडी प्रपोज 40 करोड़ एंड आई स्पोक टू समी साहब जेडे के एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फायर सर्विसिज वह कहते सिद्धू साहब तुम पहली बार फोन किया अभी तो उम्मीद ही छट गए वी आर एलोकेटिंग यू अनदर 50 करोड़ कहते सुने कि वो तुसी फोन ही किया महाराज लोग इन्ना पंजाब नूं प्यार करते हैं चुको सर 100 करोड़ रुपये वी हैव डन दिस पहल के आधार के उत्ते और कैप्टन साहब तो असी एक प्रोपर हो बनावांगे और इन्हां जांबाज लोगों के लिए मैं इन्होंने 4 लाख रुपये अनाउंस करके गया सी लेकिन साडे कमिश्नर साहब नूं मैं बहुत बधाई दिना आई मोनीटर एवरीथिंग माई सैल्फ इन्होंने 4 लाख रुपया पहले ही अनाउंस किया उन्होंने इलाज लिए जो मैं वापस आया इन्होंने 6 लाख रुपया होर वधाता और उन्होंने इलाज देखो तुम बिल्कुल दे रिकवर्ड परफेक्ट नहीं तो लभने नहीं सी सो मैं सोचा कि सिर्फ पंजाब दे विच ही एनुअल फायर डे नहीं मनाया जाता बाकी सब थावां दे उत्ते 4 दिन का फायर वीक मनाते हैं 17 to 21 April वो भाई ठीक कह रहा मैं सारा 17 to 21 April एनुअल फायर वीक फायर सर्विसिज वीक वी विल सैलीब्रेट इट ते ओ 4 लाख रुपया मैं लख लख रुपया उत्थे इन्हां नूं मैडल ला के इन्हां दी छाती ते दूं मैडल लाऊं वी हैव टू रेकोगनाइज दोज हू हैव शोड करेज एंड फॉट फॉर द स्टेट इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी इन द स्टेट कि जिहड़े स्टेट दे लई जूझणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उन्हां नूं रिवॉर्ड करेगी हुण तुसीं इहदा गल दा जवाब दे दिओ भी तुहानूं ग्रांट मिली होवे 100 करोड़ रुपये की 91 करोड़ रुपये की और तुसीं खर्च ना सको कौन रोकता सी पैसे रिलीज हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अद्धे रिलीज करते तुसीं उह चों नहीं खर्च सके पैसे तुसीं सिर्फ एक ऑर्डर देना सी गड्डियां आ जाणियां सी ते अज इहनां कोल फायर सूट हुंदे पैसे तुहाडे कोल पए सी किने कहा सी इह ते 91 अज तों 200-250 करोड़ लोग 500 करोड़ रुपया लवा गए लो जाओ देखो बॉम्बे दे विच कहिहो जिहा फायर सर्विसिज़ ने लुक एट लंडन लुक एट अमेरिका परेड करते हैं पिंड करके मैं तुम्हें वीडियो दिखा देना देख लो सो दिस इज आर इंटेंशन दिस इज वॉट वी वॉन्ट असी एक एक चीज़ को सैपरेटली देख रहे हैं वी हैड 51 प्रॉब्लम्स वी हैड 51 मेजर प्रॉब्लम्स जिदे गावां की प्रॉब्लम है केनाइंस की प्रॉब्लम है जिदे पीने के पानी की प्रॉब्लम है जिदे ई गवर्नेंस की प्रॉब्लम है हाँ जी जिदे बहुत सारिया बिल्डिंग लॉज की प्रॉब्लम है जिदे टैक्स कलैक्शन की प्रॉब्लम है देयर आर 51 थिंग्स दैट वी पुट एंड अमैलगमेटेड इन टू 20 एंड शोड दैट प्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टू हिज क्रेडिट ही केम टू आर डिपार्टमेंट फॉर 1 आवर बट ही स्टूड देयर
listened to me for 1.5 hours. डेढ़ पौने दो घंटे लाके गए एंड ही टोल्ड मी पुट द प्लान इनटू एन एग्जीक्यूशन मोड. वी आर पुटिंग इट इन एग्जीक्यूशन मोड, वेदर इट इज द टूरिज्म, वेदर इट इज द कल्चरल पॉलिसी व्हिच हैज नेवर हैपेंड इन पंजाब, वेदर इट इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट्स कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट क्योंकि 183 म्यूनसिपैलिटियां, समझो मेरी गल, ते कोई भी आत्मनिर्भर नहीं, सारियां कर्जे च डुबियां पईयां. So we have to actually pick them up and get them back on the rails. ए मैं तुहाडे नाल शेयर करना सी गल सुन. असीं इस गवर्नमेंट दे खिलाफ इन्ना ही काम कर सकते हैं कि अरिंग ऑफिसर्स जिहड़े सीगे उन्हां तों सवाल जवाब करांगे भी दसो भाई तुसीं क्यों नहीं कीता. जिवें 10-10 साल दे पानी दे बिल भेजते, पानी दे बिल 3 महीने बाद कलैक्ट होने चाहिए. सुन लै ना मेरी गल, असीं पहला नोटिस भेजिया अफसरां नूं भी भाई तुहानू किने रोकिया सी, तुसीं 3-3 महीने बाद उन्हां नूं ओह करो, राइट? कौन रोकदा तुहानू? असीं तां यही कर सकदे हां. हुण इह तां असीं कर नहीं सकदे भी बादल साहब तुसीं सुत्ते रह गए, तुसीं इह करदे रह गए. इहनां लोकां नूं हुण असीं इहनां दस सकदे हां भी आह सुत्ते पए सी. कुंभकरण 6 महीनिआं बाद उठ खड़दा सी, आदम वो आदम करो, 10 साल दे सुत्ते पए सी, पट्टू लभे ही नहीं, ऐश विद कैश. बिल्कुल सही कहा. देखो हुण आ पॉइंट है, दिस इज व्हाट वी प्रपोज्ड, कि इहनां दी इंश्योरेंस भी होवे. देख अल्टीमेटली जदों कोई बंदा सिक्योर हुंदा, तुसीं बाहरले फायर फाइटर्स नूं देखो तनखाह किन्नी मिलदी. जस्ट लुक एट दी एक्ट. अभी 2 महीने होया गेहूं खेत में है, बेटा पेट में, तू व्याह तैयारियां करी जा. गल सुन तू मित्रा, इधर गल सुन. असी सोशल ऑडिट भी ऑर्डर करता, असी उहदे लई RFP कीता. असी कारपोरेशनां जिहड़ियां वड्डियां ने, जिन्नियां वड्डियां कारपोरेशनां उह च लुधियाणा विच शामिल है, असी उहदा टैक्नीकल ऑडिट कर रहे हैं. टैक्नीकल ऑडिट हुंदा फाइनैंशियल ऑडिट. अच्छा हुण तूं बादल साहब नूं पुछ लै भी जदों तक उहनां दा लुट घसुट दा राज सी 10 साल, उहनां ने किसे इक कारपोरेशन दा ऑडिट कीता? भाई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उनको पुट्ठा टांग देंगे, हम तो उनके फिर सरिया दी जाएगी. ओ भाई असी तो इन्हें ही पुछांगे, एक गल सुन लै, असी तो उन्होंने ये पुछांगे भी भाई आ पैसे आई तुसी कित्थे खर्चे, तुसी कित्थे खर्चे पैसे, तो जो बनती कानून की सज़ा होगी असी ठोकांगे. मैं अपने डिपार्टमेंट च तुसी यही लिखाउणा सी ना, लो असी ठोकांगे, लिख लै असी ताड़ी नहीं उन्होंने ठोकांगे. गल खत्म हो गई. गल सुन, मेरे डिपार्टमेंट च जिहड़ा मैं उन्होंने कहा है कि जिहड़ा करप्शन करता फड़िया मैं फट देने सस्पेंड करूँ, और जिहदी करप्शन प्रूव हो गई मैं डिसमिस करूँ. ला देख ला 16 बंदे सस्पेंडेड ने मेरे डिपार्टमेंट, किसी होर दे हुण दस. भाई असी देखो भी इंश्योरेंस कराने च की लगता, असी डायरेक्टोरेट बना रहे कितने, मतलब तुसी जिथे कंसोलीडेटेड डिसीजन लेने होंगे है उत्थे फायर डायरेक्टोरेट हुंदा. हर वो सूबा जिन्हें तरक्की की है, फायर डिपार्टमेंट सारे मैनेज किए हैं, उन्हों का फायर डायरेक्टरेट हों मित्र प्यारे, और उत्थे चंगा स्टाफ हों, उ सब कुछ कंप्यूटराइज हों. जे कि अग लगे कंप्यूटर के उत्ते जो बंदा मेन उसते बैठा वो इन्हें इनफॉर्म किया विद इन 2 मिनट्स गड्डी पहुँचती. सानू ये सब कुछ करन दे लई थोड़ा टाइम तो दो ना. अरे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. तू तो कहना बीज बोया पेड़ बना दे, कितों बना दे हाँ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ. ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਾ ਹੀ ਚੱਲੋ ਪਤਰਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਪਤਝੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਜੇ ਪਤਝੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੇਮ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੋਕ ਈਓ ਬਣਾਤੇ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਓ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤਖਤ ਸਿੰਘ, ਪੱਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸੇ ਫਲ ਦੇਗਾ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਗੀਤਾ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਹੋਰ